इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं इंसान और दौलत के उनवान पर। अल्लाह ताला ने इंसान को कमोबेश 60-70 साल की ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को अल्लाह की मंशा के हिसाब से गुजारनी है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह ताला की मंशा के हिसाब से गुजारता है तो वो ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी कहलाती है। लेकिन अफसोस, आज इंसान सिर्फ दौलत कमाना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुका है और इसके लिए अपने आप को रात दिन खपा रहा है। हराम हलाल की तमीज़ नहीं रही, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहा और ऐसे समझ रहा है कि मौत आनी ही नहीं है और बस कमाते ही रहना है। दौलत कमाने के चक्कर में इंसान अपनी असल जिम्मेदारी को भूल चुका है जो अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान के लिए रखी है। ज़िंदगी के इख्तिताम पर यह दौलत भी साथ छोड़ जाती है जिसके लिए अपनी ज़िंदगी खपाई थी। कई एक मर्तबा ऐसे भी होता है कि ज़िंदगी के रहते हुए ही दौलत साथ छोड़ जाती है, जिसके कई एक वाक़ियात हमें देखने में मिलते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में अमेरिका में कुछ एक ऐसे अमीर तरीन अफराद थे जिनकी दौलत का मजमूई तखमीना लगाया जाए तो अमेरिका के ज़र मुबादला ज़खायर यानी GDP से ज़्यादा होती थी। कुछ साल के दौरान किस्मत में मुंह मोड़ा तो दुनिया के 9 अमीर तरीन अफराद में सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी का मालिक चार्ल्स श्वाब, जो आयरन मैन के लकब से जाना जाता था, दिवालिया होने के बाद उधार लेकर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था और इसने सिगरेट की धुएं के साथ एक छोटे से फ्लैट में दम तोड़ दिया। सबसे बड़ी गैस कंपनी का एक मालिक जिसका नाम हावर्ड हॉब्सन दिमागी तवाज़न खो बैठा और ज़िंदगी के आखिरी दिन यूं गुजारे कि हर शख्स को इसकी हालत देखकर तरसा था। और न्यूयॉर्क एक्सचेंज के सदर रिचर्ड विटनी ने सैंग के इस्लाही कैदखाने में ज़िंदगी के दिन पूरे किए। अमेरिकी वजीर अल्बर्ट फॉल एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार हुआ कि माल और दौलत तो क्या, मुकाम और मर्तबा और सियासी कैरियर भी ख़त्म हो गया और जेल की सज़ा काटने के बाद कुछ वक्त बाद सख्त बीमारी की वजह से सज़ा माफ़ कर दी गई। इसके बाद बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लिवेन फ्रेजर, एडिसन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के मालिक सैमुअल अंसल, अमेरिका की सबसे मोनोपोली के कर्ता धर्ता आयु प्रोगर और वॉल स्ट्रीट का शेयर कारोबारी जेसी लिवर मोरे ने ना मुआफिक हालात और परेशानियों से तंग आकर खुदकशी कर ली। ये इन 9 अरबपति अफराद की दास्तान हसरत नहीं बल्कि दौलत की बेवफाई की ये कहानियाँ हर मुल्क और हर समाज और हर शहर में बिखरी पड़ी हैं। अपने अतराफ नज़र दौड़ाए तो बेशुमार ऐसे सेठ नज़र आएंगे जिन्होंने तिनका तिनका करके दौलत का आशियाना बनाया मगर तकब्बुर और घमंड आशियाने को ले डूबा। इंसान की कमज़ोरी ही है जो कि ज़रा सी दौलत मिलने पर इतराने लगता है और इसी को सब कुछ समझने लगता है। मगर जो लोग दौलत को ही सब कुछ समझने लगते हैं या फिर माल और दौलत के बल बूते पर तकब्बुर करने लगते हैं, इन्हें कुदरत की तरफ से अर्श से फर्श पर फेंक दिया जाता है। हमारे देखते ही देखते कितने अमीर सड़क छाप भिखारी बन गए और कितने ही गरीब मालदार हो गए। इंसान की उरूज और जवाल की दास्तानें कई एक बिखरी पड़ी हैं मगर जिसके पास कोठी, बंगला, कार और बैंक बैलेंस आ जाता है वो खुद को खारून समझकर
अपने जैसे इंसानों को कीड़े मकोड़ की तरह मसलने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में एक खुद भी कुचल दिया जाता है। इन सेठों को ख्याल होता है कि इनके नौकर चाकरों की रोजी के मालिक वो हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि सेठ लोग खुद पाई पाई के मोहताज बन जाते हैं, और फिर इन्हें ये एहसास होता है कि रिस्क देने वाली जात कोई और है। इसलिए इससे पहले कि वो बुरा दौर इंसान की जिंदगी में आए, इंसान को चाहिए कि दौलत का इस्तेमाल वही करे जहां करने का खालिक ने हुक्म दिया है। इतिहास न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।